तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी पिछले मीटिंग में मैं आपको क्या डिस्कस कर रहा था, क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, और उसमें मैं आपको ये सिखा रहा था कि इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। ठीक है, जो टेक्निक बताई थी उसको ध्यान रखिएगा, वो सिंपलेस्ट वे है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक, तो चलिए आप सारी टेक्निक्स जो आपने सीखी है वो इस क्वेश्चन में अप्लाई करके अब आप इसका आंसर निकालिए। क्वेश्चन है आपका, आपको सॉल्व करना है cos inverse of x minus sin inverse of x equal to cos inverse of x root 3। ठीक, तो आपको ये इक्वेशन सॉल्व करके x की वैल्यू बतानी है। करिए जल्दी से, करिए ट्राई। चलिए करते हैं, देखें अब इस क्वेश्चन में क्या क्या टेक्निक लगाओगे। ठीक है, ध्यान से सुनिए, जो भी पॉइंट्स आपने पढ़े वो एक भी मिस मत करना। पहला पॉइंट है कि मैंने बार बार बोला था कि अगर किसी क्वेश्चन में साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक साथ दिख जाए, याद आ रहा है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक साथ दिख जाए, तो आप फटाफट इसको सिंगल टाइप में बदल दीजिए, दो टाइप के फंक्शन मत रखिए। तो एक काम करते हैं, इसको कॉस इनवर्स में बदल देते हैं, तो यहाँ पे सब जगह पे सिर्फ कॉस इनवर्स बचेगा। ये पहला रूल, बिल्कुल इस रूल को भूलिएगा मत। तो cos inverse x minus, इसको लिखते हैं pi by 2 minus cos inverse, तो देखिए minus pi by 2 minus minus plus cos inverse ना, इसको बना देगा 2 cos inverse x is equal to cos inverse of x root 3। अब देखिए दूसरी टेक्निक मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी कि अगर एक एंगल हो और बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो कभी भी ये काम मत करना कि आप इनको एक साथ करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को और फॉर्मूला लगाना, बिल्कुल नहीं। आप एंगल को एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ में करिए, इसमें ऑलरेडी है, या आप चाहो तो पाई बाई टू को इधर भेज सकते हैं। ठीक है, वो आपकी इच्छा। तो जैसे आप यहाँ पे टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाई टू प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स रूट थ्री। इसके बाद मैंने आपको बताया है कि अब आप दोनों साइड में ना अप्रोप्रिएट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से साइन या कॉस जो भी लेना हो लीजिए। क्या दिख रहा है, साइन लिया जाए दोनों साइड का कि कॉस? कॉस नहीं लिया जाए, ठीक है, कॉस अप्रोप्रिएट नहीं, साइन मोस्ट अप्रोप्रिएट है। हालांकि कॉस से भी ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा, लेकिन साइन ज्यादा अच्छा इसलिए दिख रहा ना क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा बनेगा, और साइन 90 प्लस थीटा जो है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो जब कॉस में बदलेगा तो कॉस कॉस इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम लोग दोनों साइड में किससे लेते हैं, दोनों साइड का क्या लेते हैं, अप्रोप्रिएट एंगल, दोनों साइड का अप्रोप्रिएट एंगल देते हैं साइन। देखिए ये बनेगा साइन ऑफ टू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस कॉस इनवर्स एक्स रूट थ्री। आगे देखें, अब यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो क्या रूल बताए थे, आप इसको ना थीटा ले लीजिए, तो जब इसको थीटा लोगे तो आपका क्वेश्चन रीडिफाइन हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos थीटा, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, देखो भाई sin 2 थीटा, sin 2 थीटा इज इक्वल टू इधर sin 90 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा, तो इधर बनेगा cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ x रूट 3। नाउ साइन टू थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा के टर्म में बताइए तो क्या होता है, इट इज टू कॉस थीटा की वैल्यू एक्स इंटू साइन थीटा, साइन थीटा को लिखेंगे अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू, ये कॉस कॉस इनवर्स कैंसिल कर दीजिए। देखिए मैंने कहीं भी कोई केस नहीं लिया, इसलिए फाइनल आंसर को एक बार ओरिजिनल क्वेश्चन से वेरीफाई जरूर करना है। ठीक है, नाउ ये एक्स कैंसिल मत करिए, सोल्यूशन लॉस हो जाएगा, बल्कि क्या करना है, कॉमन निकालना है। जब कॉमन निकालना है तो एक्स इक्वल टू जीरो इसका एक फैक्टर बनेगा, और एक्स इक्वल टू जीरो हमें एक सोल्यूशन मिल गया इस इक्वेशन का। जब एक्स इक्वल टू जीरो आपने सोल्यूशन ले लिया, अब आप इस एक्स को और इस एक्स को हटा सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास अब बचा कितना, टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट थ्री, स्क्वायरिंग करिए तो फोर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री, फोर को इधर भेज दो,
तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाई 4 या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3 बाई 4 विच इज 1 बाई 4 या x इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। तो x की टोटल तीन वैल्यू मिल रही, कौन कौन सी, माइनस हाफ, जीरो एंड प्लस हाफ, ठीक है। लेकिन आप अपने फाइनल आंसर को चेक जरूर करिए, जैसे माइनस हाफ रख के देखो तो माइनस हाफ, तो कॉस इनवर्स माइनस हाफ कितने डिग्री पे माइनस हाफ होता है, कॉस थीटा 180 माइनस 60 डिग्री मतलब 120 डिग्री माइनस। साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, तो साइन माइनस हाफ कब होता है, माइनस 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 प्लस 30 डिग्री, तो कितना आया 150 डिग्री। और इधर जो है तो देखो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री बाई टू, तो माइनस रूट थ्री बाई टू कॉस कितने पे माइनस रूट थ्री बाई टू होता है 180 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो ये भी 150, ये भी 150, बिल्कुल ठीक है, सही आंसर है। जीरो रख के देखो तो जीरो, जीरो रखोगे तो ये कॉस इनवर्स जीरो आएगा 90 डिग्री, साइन इनवर्स जीरो जीरो, कॉस इनवर्स जीरो 90 डिग्री, ये भी ठीक है। और हाफ रखोगे तो कॉस इनवर्स हाफ आता है 60 डिग्री माइनस साइन इनवर्स हाफ आता है 30 डिग्री इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू, यस ये भी 30 डिग्री, तो 30 इक्वल टू 30, ये भी सही है। तो पता है इस क्वेश्चन में आपके तीनों ही करेक्ट आंसर है, या इस इक्वेशन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू माइनस हाफ जीरो एंड हाफ, तीनों करेक्ट आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट, और जो टेक्निक्स बताई हैं उनको याद रखिएगा, इक्वेशंस को आप इजीली सॉल्व कर सकोगे। सो वन मोर इक्वेशन, चलिए जल्दी से करते हैं। इस बार आपका क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है इक्वेशन टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस cot inverse of minus mod x equal to 2 tan inverse of 6x, ठीक। तो इसको सॉल्व करके, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x की वैल्यू बतानी है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करिए, फिर हम इसके बाद करते हैं। चलिए करते हैं। देखिए देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व करने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो अभी फिलहाल मॉड एक्स है। जब तक मॉड है तब तक आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो मॉड को हटाने के लिए केस लिया जाए, मॉड हटाना पड़ेगा, मॉड हटा कैसे हटाते हो, केस लिया जाए। केस कैसे लेते हो, मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव और मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव, तो हमने इसमें केस लेते हैं, केस वन। पहले इजी वाला केस लेते हैं, जब मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है, जब एक्स नेगेटिव है। अगर एक्स नेगेटिव है तो मॉड हटाते समय आप क्या करोगे, इसका साइन चेंज करोगे। जब मॉड हटाते समय इसके पीछे माइनस लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और ये इक्वेशन आएगी क्या, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बनेगा इक्वल टू टू टैन इनवर्स ऑफ सिक्स एक्स। नाउ टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स बिकम्स पाई बाई टू, सो पाई बाई टू इक्वल टू टू टैन इनवर्स ऑफ सिक्स एक्स, टू को उधर भेजो तो टैन इनवर्स ऑफ सिक्स एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर, tan को उधर भेजो तो 6x एक्स इक्वल टू टेन पाई बाई फोर वन या x इक्वल टू वन बाई सिक्स। लेकिन चेक करिए कि क्या ये ओरिजिनल कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये 1 बाई सिक्स जो है जीरो से छोटा है क्या, नहीं, रिजेक्ट कर दीजिए, ठीक। तो आपको केस वन में कोई भी आंसर नहीं मिला। आइए केस टू पे, केस टू पे हम लोग लेते हैं x ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। जब मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव तो मॉड हटाते समय कोई साइन चेंज नहीं होगा और आपके पास इक्वेशन बनेगी टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कोई साइन चेंज नहीं हुआ, इक्वल टू टू टैन इनवर्स ऑफ सिक्स एक्स। अगला रूल होता है, देखिए कि अगर माइनस अंदर है तो इसको फटाफट बाहर निकालिए। तो माइनस को बाहर निकालने का क्या रूल होता है, माइनस निकलता है, देखिए कॉट इनवर्स ऑफ माइनस के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू टू टेन इनवर्स ऑफ सिक्स एक्स। अगला स्टेप क्या किया जाए, अगला स्टेप देखिए कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में बदल दो, क्योंकि अगेन वही रूल है कि अगर किसी क्वेश्चन में टेन इनवर्स कॉट इनवर्स एक साथ दिखते हैं तो इसको सिंगल टाइप के फंक्शन में बदल दीजिए। तो आप इसको लिखोगे टेन इनवर्स एक्स प्लस पाई और इसको लिखो पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स, तो ये देखिए बना माइनस पाई बाई टू और माइनस माइनस प्लस टेन इनवर्स, ये क्या बन जाएगा टू टेन इनवर्स इक्वल टू इधर बना टू टेन इनवर्स ऑफ सिक्स एक्स।
आपके पास पता क्या है, देखो टू टैन इनवर्स एक्स प्लस ये बना पाई बाई टू इक्वल टू टू टैन इनवर्स ऑफ सिक्स एक्स। अब यहां पे एक एंगल है और दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो वही पिछले क्वेश्चन के जैसा रूल कि एंगल के साथ एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखिए, दोनों साइड का एप्रोप्रिएटली जो भी लेना हो साइन कॉस टैन जो भी लेना हो वो लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हालांकि मुझे एक इसमें थोड़ा फायदा दिख रहा है कि यहां भी टू है यहां भी टू है, दोनों जगह पे देखो टू टू है और ये एंगल है, तो क्यों ना मैं इस पूरे को टू से डिवाइड कर दूं। तो ऐसा करने से ये बनेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई फोर इक्वल टू यहां पे क्या बनेगा टेन इनवर्स ऑफ सिक्स एक्स। तो एक एंगल है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके साथ है, इधर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब आप दोनों साइड का टेन ले लीजिए, दोनों साइड का टेन लोगे तो इधर कितना मिलेगा टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई फोर और इधर क्या मिलेगा टेन ऑफ टेन इनवर्स सिक्स एक्स, तो टेन टेन इनवर्स कट करके सिक्स एक्स ले लीजिए बिना किसी केस के, इक्वेशन सॉल्विंग में कोई केस नहीं लेते हैं ना। अब इसको ओपन करो तो कैसे ओपन करोगे पता है, देखो टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस थीटा की तरीके से ओपन करिए, टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा, तो क्या फॉर्मूला होता है देखो भाई टेन पाई बाई फोर वन प्लस टेन थीटा, तो टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स कितना बन जाएगा एक्स, तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन पाई बाई फोर विच इज वन इंटू टेन थीटा विच इज एक्स, तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी एंड दैट बिकम्स सिक्स एक्स। अब ये सिंपल सी एल्जेब्रिक इक्वेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो वन प्लस एक्स इक्वल टू इधर आएगा सिक्स एक्स माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, इस सबको इधर ले आओ और प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनाओ, सिक्स एक्स स्क्वायर एक्स माइनस सिक्स एक्स कितना हो गया माइनस फाइव एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। दो नंबर सर्च करिए जिनका प्रोडक्ट सिक्स हो और जिनका सम माइनस फाइव, माइनस थ्री एंड माइनस टू से मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, यहां से कॉमन कितना थ्री एक्स, यहां से माइनस वन, अंदर क्या बचा टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब या फिर ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, ठीक है। तो साइड में मैं इसका आंसर लिख के दिखाता हूं, तो एक्स एक को जीरो करोगे तो मिलेगा एक्स इक्वल टू वन बाई थ्री, दूसरे को जीरो करोगे तो मिलेगा एक्स इक्वल टू वन बाई टू। तो इसको ये तो आंसर है नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन के दो आंसर आएंगे, कौन कौन से, एक्स इक्वल टू वन बाई थ्री एंड एक्स इक्वल टू वन बाई टू, ये दोनों आंसर आएंगे, दोनों ही एक्यूट एंगल है इसलिए दोनों इन रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों ही इस क्वेश्चन के आंसर होंगे 1 बाई थ्री एंड 1 बाई टू। किसी को डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस बार आंसर तो आप लोगों ने दिया है लेकिन किसी का आंसर मुझे करेक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, जल्दी से कर लीजिए। इसके बाद ना इक्वेशन सॉल्विंग पे मैं आखिरी क्वेश्चन करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन इन इक्वेशन सॉल्विंग, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग इक्वेशन सॉल्विंग पे, और ये हमारा इक्वेशन सॉल्विंग पे लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि आपको सॉल्व करना है साइन ऑफ टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आपको इक्वेशन सॉल्व करनी साइन ऑफ टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप ट्राई करिए फिर मैं करता हूं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, साइन ऑफ ये जो आपको करना है ना, इसको कैसे करेंगे, देखिए वही टेक्निक अपनाइए जो मैंने आपको सिखाया है। अगर आप इसमें ये सोचोगे ना कि टू टेन, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं मैं एक बार, साइन ऑफ टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक, इक्वल टू जीरो। अगर आप ये सोचो कि इसको ना टू टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगा के टेन इनवर्स में बदलो, फिर कॉट इनवर्स में बदलो, फिर कैंसिल करो, फिर टू कॉस इनवर्स का फॉर्मूला लगा के कॉस इनवर्स में बदलो, फिर साइन इनवर्स में बदलो, ना
इतना लंबा क्वेश्चन सॉल्व करते करते हालत खराब हो जाएगी, तो ऐसे मत करिए। वो टेक्निक अपनाइए जो मैंने आपको सिखाया कि अगर यहां से अंदर से स्टार्ट करिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, साइन ऑफ टू कॉस इनवर्स ऑफ, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो आप इसको थीटा मान लेते हो और आपका क्वेश्चन रीडिफाइन हो जाता है। तब मैं उतना डिटेल से नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ऐसा काम आप कर चुके हो, क्योंकि तो ये बन जाएगा कॉट टू थीटा का फॉर्मूला, कॉट टू थीटा का फॉर्मूला टेन के टर्म में, कॉट टू थीटा का फॉर्मूला टेन के टर्म में क्या पढ़े हो आप, इसको लिख सकते हो वन अपॉन टेन टू थीटा, कॉट टू थीटा की क्या लिख सकते हो, वन अपॉन टेन टू थीटा। तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा वन अपॉन टेन टू थीटा का फॉर्मूला लगाइए तो क्या होता है, देखो टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक। ये आपके लिए ज्यादा बेटर रास्ता रहेगा। अब ऐसे काम यहाँ पे करो, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और साथ में टू मल्टीप्लाई है, तो फिर से आप क्या करो इस पूरे एंगल को थीटा के जैसे ट्रीट करिए, और अब अपना साइन टू थीटा का फॉर्मूला कॉस के टर्म में लगाइए, साइन टू थीटा का फॉर्मूला कॉस के टर्म में क्या होता है, टू कॉस थीटा हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स इंटू साइन थीटा, साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे देखो, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और नीचे इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा फोर एक्स स्क्वायर। तो इसको हमने लिखा देखो साइन टू थीटा का फॉर्मूला कॉस के टर्म में टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और इसको किया इक्वल टू जीरो, और अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ये रफ वर्क था, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको अंडर सर्कल के देता हूं। तब ये टू तो हटाई दो क्योंकि इसका इक्वेशन सॉल्विंग में कोई रोल नहीं है, तभी आपके पास क्या बचा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट के अंदर देखिए बचेगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दिस होल डिवाइडेड बाई फोर एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखिए ये जीरो है तो या फिर ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, अगर आप इसको जीरो करते हो तो न्यूमरेटर ही जीरो होगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा ना, ये जीरो है तो न्यूमरेटर जीरो होगा, इसको जीरो करोगे तो आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन या एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो लो भाई दो आंसर तो यहां से मिल गया, इसको जीरो करोगे तो इसमें भी न्यूमरेटर को जीरो करिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, तो न्यूमरेटर को जब जीरो करोगे तो आपके पास आएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, यह टू एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी करोगे तो टू एक्स माइनस वन एंड माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस बी करो तो टू एक्स, ए माइनस बी तो कर लिया, ए प्लस बी करो तो टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अगेन या फिर ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, ठीक है, तो इसको जीरो जब करोगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो या एक्स इक्वल टू आया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए, तो कितना अंडर रूट एट होता है टू रूट टू, टू टू ऊपर नीचे से कट करिए तो माइनस वन प्लस माइनस रूट टू, तो यहां से दो आंसर आपको ये मिल गया। एंड जब इसको जीरो करोगे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके जीरो करो ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए, तो फिर वही अंडर रूट एट टू रूट टू 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 कट किया तो फिर से आएगा इस बार एक्स इक्वल टू वन प्लस माइनस रूट टू। तो पता इस क्वेश्चन के कितने आंसर आ रहे हैं, इस क्वेश्चन के सिक्स आंसर आ रहे हैं, कौन कौन से, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस नहीं, एक्स इक्वल टू क्या प्लस माइनस वन,
बाकी आंसर आ रहा है ये माइनस वन प्लस माइनस रूट टू एंड वन प्लस माइनस रूट टू, ये हमारा सारा आंसर होगा, छह के छवों आंसर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पता इधर इक्वल टू जीरो है, तो जीरो में अगर प्लस माइनस आ भी गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कोई केस नहीं लेना, ये छह के छह आपके आंसर होंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और यहां से हमारा इक्वेशन सॉल्विंग से रिलेटेड चीजें जो है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसके बाद कुछ एक आध दो मिसलेनियस क्वेश्चन बस बचा है, और उतना ही टाइम बचा हुआ है, आज की क्लास खत्म होते ही ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। कंप्लीट योर टॉपिक एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द होल टॉपिक एंड देन हम लोग लिमिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं। अब इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम, बस एक दो, ठीक है। चलिए ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। पहली मिसलेनियस प्रॉब्लम सिंपल है, इफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू पाई, देन आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या निकल करके आएगी। प्रॉपरली तरीके से आपको प्रूफ करके बताना है, ठीक है। डाटा दिया है इफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू पाई, तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक। जल्दी से ट्राई करिए, तो चलिए देखें किस तरीके से करना है। देखो आपको डाटा दिया हुआ है, क्या डाटा दिया भाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई। तो देखो ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम नहीं है, बाउंड्री वैल्यू मत सोचना, ठीक है, क्योंकि इसकी मिनिमम जीरो, इसकी मिनिमम जीरो, इसकी मिनिमम जीरो, और ये मिनिमम जीरो नहीं है, या इसकी मैक्सिमम पाई पाई पाई, तो तीनों का मैक्सिमम का एडिशन थ्री पाई आएगा, ये भी नहीं, तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं है, समझे। बाउंड्री वैल्यू नहीं है तो इसको किस तरीके से किया जाए, आपका एम है सारा कॉस इनवर्स हटाना और इस टाइप की इक्वेशन लाना। तो सारा कॉस इनवर्स हटा के अगर ये इक्वेशन लाना है तो पता है आपको ऐसा तीन कॉस इनवर्स वाला तो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया नहीं है कि आप इस पे लगाओ, मतलब इस पे इकट्ठा फॉर्मूला लगा दो। आप ऐसा भी नहीं करोगे पहले इस पे लगाओ फिर जो बहुत बड़ा फॉर्मूला आएगा फिर उसका इसके साथ में फॉर्मूला लगाओ, वो भी आप नहीं करोगे। तो बेस्ट ऑप्शन है कि एक कॉस इनवर्स को ना उधर भेज दो, क्योंकि आपने दो के लिए फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो यहां से आपके पास आएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड, और दो के लिए तो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, तो दो के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, कॉस इनवर्स ऑफ, कैसे फॉर्मूला लगाते हो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना, ऐसे याद रहेगा बड़ी आसानी से। और इसको सिंगल कॉस इनवर्स में बदलते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड को आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस जेड। अब दोनों साइड से कॉस इनवर्स हटा दो, तो एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जेड। सारा कॉस इनवर्स हट गया ना, हम चाह भी रहे थे कि सारा कॉस इनवर्स हट जाए, लेकिन हमें इस टाइप का रिलेशन नहीं बल्कि इस टाइप का रिलेशन चाहिए। तो इस टाइप का रिलेशन चाहिए तो अंडर रूट हटाना पड़ेगा, अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। स्क्वायरिंग ऐसे नहीं करोगे, आप इसको दूसरी साइड ले जाओ, जेड को इधर ले आओ और फिर आप दोनों साइड की स्क्वायरिंग करो। तो जेड को जब इधर ले आओगे तो ये बनेगा एक्स वाई प्लस जेड, और फिर स्क्वायरिंग किया, इस पूरे को उधर ले गए और स्क्वायरिंग किया तो क्या मिलेगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर। अब ओपन कर दो, डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा। इसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड, और इधर ओपन करोगे तो देखो वन इंटू वन वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस
y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वन। ये जो वैल्यू पूछी जा रही थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? वन आ गई। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। अगेन शिवांगी एंड प्रियांशु ने करेक्ट आंसर दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए एक बात कि कुछ लोग इसको ना वैल्यू पुट करके भी बोलेंगे, अच्छा चलो एक काम करते हैं एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड रख देते हैं और फिर ये पाई बाई थ्री आएगा, ये भी पाई बाई थ्री आएगा, ये भी पाई बाई थ्री आएगा। तो अगर इसको पाई बाई थ्री के इक्वल किया तो एक्स इक्वल टू कॉस पाई बाई थ्री या हाफ हो जाएगा, है ना, और हाफ हो जाएगा तो फिर आप एक्स वाई जेड की वैल्यू हाफ रख रख के और फिर ये निकाल लो। ऐसा भी कुछ लोग कर सकते हो, या कुछ लोगों ने किया होगा कि नहीं, कुछ वैल्यू पुट करके देख लें कि इसको क्या सेटिस्फाई कर रहा है और फिर उसके हिसाब से। वो सब ठीक है, वो सब तभी तक वैलिड है जब यहाँ पे आंसर आपका कॉन्स्टेंट आ रहा है। अगर आंसर ऑप्शन एक्स वाई जेड के टर्म में होता ना तो फिर आप ये काम, ये वैल्यू पुट करने वाला काम नहीं कर पाते। इसलिए प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना आपसे आना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट मिसलेनियस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई, देन इस बार आपको बताना है एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट वन माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी। और इस बार आपका आंसर एक्स वाई जेड के टर्म में आएगा, कांस्टेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करने वाला काम एकदम मत करिएगा, इसका आंसर एक्स वाई जेड के टर्म में आएगा। तो चलिए जल्दी से ट्राई करिए, फिर इसको हम करके दिखाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में एक सीखने वाला पॉइंट है, तो बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को सीखिएगा जो पॉइंट मैं बता रहा हूं। ठीक है, जो सिखा रहा हूं उसको ध्यान से सीखिएगा, अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहां पे आपको डाटा दिया हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई। बाउंड्री वैल्यू तो नहीं है, ना तो मैक्सिमम पे ना मिनिमम पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसमें हम पिछले क्वेश्चन के जैसे नहीं कर सकते कि हम साइन इनवर्स जेड को उधर भेजें, क्योंकि अननेसेसरी आप फालतू के कैलकुलेशन में फंसोगे। इधर आपके पास क्या जाएगा, पाई माइनस साइन इनवर्स जेड, और इसको आप साइन इनवर्स माइनस जेड नहीं लिख सकते हो, है ना, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, क्योंकि कॉस को ऐसे लिख सकते थे, साइन को ऐसे नहीं लिख सकते हो। तो फिर यहां से प्रॉब्लम ही होगी, आप फिर इसको सिंप्लीफाई करने में आपको परेशानी ही जाएगी, तो इसलिए हम इसको इस रास्ते से नहीं करते। अब ध्यान से सुनिए हमारा मेथड क्या, जरा देखिए इसको थीटा के जैसे ट्रीट करो। तो साइन थीटा, अगर साइन थीटा एक्स है, अगर एक्स साइन थीटा है तो ये क्या बन रहा है, देखो तो साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का अंडर रूट कॉस थीटा, तो ये क्या बन गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को फॉर्मूले में बदला जा सकता है ना, साइन टू थीटा के फॉर्मूले में बदला जा सकता है, बशर्ते कि इसमें हम टू से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो। तो एक काम करते हैं, पता है इसको मैं टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि ये फॉर्मूले में बदल जाएगा सारा का सारा। तो अगर आप टू से डिवाइड एंड टू से मल्टीप्लाई करोगे तो अब आपके पास आया, देखिए इट इज टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू जेड अंडर रूट वन माइनस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो सिंस देखिए ये फॉर्मूले में बदल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इसको ए एज्यूम करेंगे, इसको बी एज्यूम करेंगे, थीटा नहीं एज्यूम करेंगे। अगर इसको थीटा एज्यूम करोगे तो इसको क्या एज्यूम करोगे, इसको क्या एज्यूम करोगे, तो इसलिए इसको ए एज्यूम करेंगे, इसको बी एज्यूम करेंगे और इसको सी एज्यूम करेंगे। तो जब आप ऐसा एज्यूम करोगे तो अब आपके पास देखिए कंडीशन आ गई कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। ठीक है, एंड क्या कंडीशन आई, एंड आपके पास आया कि एक्स इक्वल टू साइन ए, y इक्वल टू साइन बी एंड जेड इज इक्वल टू साइन सी।
ठीक है, x इक्वल टू साइन है, y इक्वल टू साइन बी, z इक्वल टू साइन सी। तो अब आपका क्वेश्चन रीडिफाइन हो गया आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशन, आपका क्वेश्चन रीडिफाइन होगा। क्या रीडिफाइन हो गया कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तो आपको वैल्यू बतानी है, वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ, अब देखो जब x इक्वल टू साइन ए रखा तो टू साइन ए कॉस ए, इट बिकम साइन टू ए। अगला वाला क्या बनेगा, साइन टू बी। अगला वाला क्या बनेगा, साइन टू सी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि आपको दिया हुआ है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, ये डाटा दिया है और आपसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, किसकी, हाफ ऑफ साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी की वैल्यू साइन ए साइन बी साइन सी के टर्म में पूछी जा रही है। तो यहाँ पे पता है मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में कंडीशनल आइडेंटिटीज पढ़ाया था और ये अब पूरा कंडीशनल आइडेंटिटी का क्वेश्चन बन चुका है, बस इसमें और कुछ भी नहीं बचा। कंडीशनल आइडेंटिटी में क्या करते हैं मैं आपको याद दिलाता हूं, मैंने बताया था कि आप a प्लस बी बनाने की कोशिश करते हो, तो यहां से a प्लस बी बनाओ, तो कैसे a प्लस बी बनाओगे, साइन सी प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाइए, तो टू साइन टू ए प्लस टू बी बाई टू, तो क्या बनेगा a प्लस बी इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो टू ए माइनस टू बी बाई टू ए माइनस बी, प्लस साइन टू सी का फॉर्मूला लिख दो टू साइन सी इंटू कॉस सी। अब टू ये वाला और ये कैंसिल कर दो, तो अगला स्टेप मैंने क्या बताया था, ए प्लस बी जैसे ही आप बना लो, अगला स्टेप था कि इस ए प्लस बी को आप सी में बदलो विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन। तो आप ए प्लस बी को लिख सकते हो पाई माइनस सी, साइन पाई माइनस सी विल बिकम साइन सी इंटू कॉस ए माइनस बी, प्लस साइन सी इंटू कॉस सी। अगला स्टेप था सी वाले टर्म को कॉमन निकालना है, तो सी वाला टर्म कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी। अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप था, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री इलेवेंथ का क्वेश्चन है। अब सी को वापस ए और बी में बदल सकते हो, कैसे, c इज इक्वल टू पाई माइनस ए प्लस बी और cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा हो जाएगा माइनस cos थीटा, आ जाएगा माइनस cos ए प्लस बी। तो यहां से आपके पास आया देखिए साइन c इंटू, अब यहां पे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, तो माइनस आता है माइनस टू साइन, या माइनस नहीं लगाओगे तो माइनस को अंदर फॉर्मूले में एडजस्ट कर देंगे। देखिए टू साइन c प्लस डी बाई टू, तो दिस प्लस दिस टू ए का आएगा, टू ए बाई टू करोगे तो ए आएगा, इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, लेकिन मैंने माइनस नहीं लगाया तो आप d माइनस सी बाई टू करोगे, d माइनस सी टू बी आएगा और टू बी बाई टू बी आएगा। आ गया ना, देखो ये मैंने इसकी इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू मैंने साइन ए साइन बी साइन सी के टर्म में निकाल दिया, इसको वापस एक्स वाई जेड के टर्म में पुट कर दीजिए, तो साइन ए को x, साइन बी को y, साइन सी को z जब पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 2xyz, क्लियर। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू निकालनी थी ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2xyz, ठीक है, ओके ना। क्वेश्चन इज सॉल्व। अब देखिए एक बार मैं फिर से आपको इस क्वेश्चन से क्या सीखा है ये अप्रोच बता देता हूँ। इस क्वेश्चन से सीखने वाला पॉइंट ये था कि ध्यान रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन बाउंड्री वैल्यू का नहीं है और आपसे ऐसी कुछ वैल्यू पूछी जा रही है जो किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट हो रहा है, देखो ध्यान से देखिएगा, आपसे कोई ऐसी वैल्यू पूछी जा रही है जो किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट हो रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन टू थीटा बन सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन में फिर आप इसको ए, इसको बी, इसको सी डिफाइन कर दो, और जब डिफाइन कर देते हो तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन रीडिफाइन हो जाता है। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, देन आपको वैल्यू बतानी है इसकी, और ये बन जाता है कंडीशनल आइडेंटिटी which you have studied in class 11th, clear? तो ये आपका question हो गया, इसी को कोई doubt है तो बता सकता है। अब मैं एक question आपको last question of the topic homework दे देता हूँ, ये आप कर लीजिएगा, easy question है और इसके साथ हम लोग का ये topic complete होता है, ठीक है। तो ये last question of the topic ये आपको homework है, बिल्कुल इसी तरीके की approach है, तो आप कर सकते हो बड़ी आसानी से। इस बार question है if tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z is equal to pi, ऐसा दिया हुआ है। Then question पूछा जा रहा है कि find the minimum value of
एक्स वाई जेड, ठीक है। व्हाट इज द क्वेश्चन? इफ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई, देन आपको एक्स इंटू वाई इंटू जेड की मिनिमम वैल्यू बतानी है। कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है ना। इसमें भी वही करना जैसे पिछले क्वेश्चन, इसको ए इसको बी इसको सी मान के, और ये कंडीशनल आइडेंटिटी टाइप का बन जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई दिया है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या दिया, पाई, और एक्स इक्वल टू टेन ए वाई इक्वल टू टेन बी जेड इज इक्वल टू टेन सी कर लीजिएगा। और अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है तो इसमें आपको कोई रिलेशन पता है ना, क्या रिलेशन पता है? आपको पता है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c जो है वो क्या होता है, tan a into tan b into tan c होता है ना। तो x y z में बदलोगे तो आपके पास आएगा x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये रिलेशन आ जाएगा। एक्स वाई जेड की मिनिमम वैल्यू बतानी है तो ए एम जी एम से अब आप एक्स वाई जेड की मिनिमम वैल्यू कर लीजिएगा। इसके साथ हम लोग का ये टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, लिमिट में, अगली क्लास में। डिस्कशन के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।